गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू दी आवर चैनल एमएफटीबी ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग सीए एग्जामिनेशंस इंस्ट्रक्शन फॉर दिसंबर अटेम्प्ट 2021। लेट मी टेल यू गाइज, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सीए का जो एग्जाम आप देने वाले हो दिसंबर अटेम्प्ट 2021, तो उसका डेट तो आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर आज मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आईसीआई के बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मिस्टेक हो जाते हैं फर्स्ट टाइम में अगर आप जाते हो एग्जाम लिखने। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इसका क्या क्या गाइडलाइंस है आईसीआई का और इसका क्या इंस्ट्रक्शन है ये आपको मैं बता दूँ। तो चलिए, बताने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फुल डिटेल्स में जानते हैं। तो एग्जाम लिखने से पहले कुछ बात आप जान ले तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सीए फाउंडेशन हो, चाहे आप लिखने जाओ सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा कुछ दिन के बाद, और आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म था वो भी अपडेट आपके इस पर हो जाएगा, और देन आपको एडमिट कार्ड जो होता है जिसको हॉल टिकट भी बोलते हैं और उसको एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, वो आपका इशू होगा। आपका मान के रखो फाउंडेशन का जो एग्जाम है उसका जो डेट होगा उससे 14 डेज बिफोर वो रिलीज हो जाएगा। अगर इंटरमीडिएट का जो डेट है तो उससे 14 डेज पहले बिफोर रिलीज हो जाएगा। अगर फाइनल का है तो उससे भी 14 डेज बिफोर रिलीज हो जाएगा। तो किसी भी एग्जाम आप लिखने जाते हो जो आपका डेट है फर्स्ट डेट से 14 डेज बिफोर ये रिलीज हो जाएगा। आईसीआई ने इंस्ट्रक्शन में ये लिखा गया है कि ये 14 डेज पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। आप पीडीएफ एग्जामिनेशन जो आप वहीं पर टाइप करोगे जैसे एग्जाम फॉर्म फिल करे थे वहां पर जाके, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा एडमिट कार्ड फॉर दिसंबर 2021 लिखा रहेगा। उसको क्लिक करोगे, अपना पहले लॉगिन कर देना अकाउंट को, देन करने के बाद आपको आ जाएगा वहां पर सेटअप आ जाएगा। मैं आपको जब आएगा एडमिट कार्ड तो आपको मैं एक वीडियो बनाकर आपको नोटिफिकेशन देकर अपडेट करूंगा। तो चलिए, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो पर लेके आऊंगा और आपको पहले ही सूचना दे दूंगा इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग। तो चलिए, ऐसे आपको पीडीएफ को प्रिंट आउट कर लेना, वो प्रिंट आउट आपको एग्जाम सेंटर लेके जाना होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ ये नेसेसरी नहीं कि आपको कलर ही कराना है, तो आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी करा सकते हो और कलर भी करा सकते हो। और चलिए मैं इसके बारे में और बता देता हूँ, आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड को एग्जाम सेंटर जो आपने रजिस्टर किया था एग्जामिनेशन में, आपके नियर बाय वहीं जाना होगा और वहां पर आपको पूरा एड्रेस रहेगा। लेट्स नेक्स्ट फॉरवर्ड। तो चलिए दूसरे टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको एग्जाम जो लिखने जाना है तो आपको दो पेंसिल को कैरी करके लेके जाना है। तो चलिए, पेंसिल आपको कौन सी पेंसिल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउ किया जाएगा, तो आपको सिर्फ एचबी पेंसिल ही अलाउ किया जाएगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप मिनिमम 2 पेंसिल लेके जाना ही होगा। आपको अगर एक पेंसिल में कुछ भी फॉल्ट होता है तो 2 पेंसिल आपके पास रहना जरूरी है। तो एचबी पेंसिल के कैटेगरी में आता है नटराज जो पेंसिल होता है, वो भी एचबी पेंसिल आपको स्क्रीन पर आई होप आपको दिख रहा होगा एचबी, जिस भी पेंसिल के आगे एचबी लगा हुआ वो पेंसिल अलाउ है उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हॉल के अंदर। तो चाहे आप नटराज के लो, चाहे क्लासमेट के लो, चाहे डॉम्स के लो, हर एक पेंसिल इस एग्जामिनेशन के अंदर अलाउ है। तो चलिए पेन के बारे में बात करते हैं। तो पेन जो आप लेके जाओगे तो पेन आपको लेके जाना है 2 पेन्स मिनिमम आपको कैरी करना है, और वो भी ब्लैक पेन। यहाँ पर आपको ब्लू पेन और या अदर पेन का लिखने का अलाउ नहीं है, सिर्फ ओनली आपको ब्लैक पेन के अंदर लिखना होगा। आपका जो भी रजिस्टर नंबर कोड होगा, सिग्नेचर, हर कुछ आपको सिर्फ ब्लैक पेन के अंदर ही लिखना होगा। तो वहां पर बॉक्स होगा, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अच्छे डिटेल से दिखाऊंगा, तो वो आपको करना पड़ेगा।
दो पेन भी कैरी करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेटर के बारे में बात करते हैं। तो कैल्सी अलाउ एक बेसिक कैल्सी आपको अलाउ, जो नॉर्मल कैल्सी होता है कैलकुलेटर वो सिर्फ आपको अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। दूसरा अगर आप साइंटिफिक लेके जाते हो तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसका ध्यान जरूर रखें। तो चलिए और डिटेल्स में बात करते हैं, जो फाउंडेशन का थर्ड और फोर्थ पेपर है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेन असल वही है, वहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट को मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपको स्क्रीन पर आई होप यू आर विजिबल ऑन स्क्रीन, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ऐसा होता है OMR सीट, जो चाहे तो आप Amazon या Flipkart से बाई कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पर देखिए दो मेथड होता है, पहले आपको वो जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां पर आपको जो एक एग्जाम सॉरी क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, वो कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। वो कोड डालने के बाद जो जो आपको वहाँ पर लिखा रहेगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर देना है। कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर भी आपको करना है, आपका रोल नंबर भी लिखना होगा, उसके बाद आपका भी सिग्नेचर लिख करना है, और जो आपका एग्जामिनर होगा जो एग्जाम आपका ले रहा होगा उसका भी सिग्नेचर वहाँ पर जरूर ध्यान से ले, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, वैल्यूएशन ही नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए दो होता है, ये OMR सीट में क्या होता है ABCD लिखा होगा, ABCD तक रहता है, जो आपका फोर में से कोई एक ऑप्शन होता है उसको आपको नॉर्मली टिक नहीं करना होगा। ये देखिए गोल जो सर्कल, इस सर्कल के अंदर HB पेंसिल से एक मार्क करना पड़ता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मार्क ब्लैक ब्लैक करना पड़ेगा, और ये मार्क बहुत ही सावधानी से करना होगा, आपको बाहर नहीं निकले। अगर बाहर निकलता है ये मार्क, आप सही में भी अगर मार्क करोगे तो वो ये मार्क नहीं इसका बल्कि आपको रॉन्ग माना जाएगा, और 0.25 यानी के 1/4 आपका मार्क्स काटा जाएगा। यानी कि अगर आप फोर्थ ऐसा कर देते हो और अगर आप 1 सही करते हो तो आपका 1 मार्क्स भी 0 ही माना जाएगा, ऐसा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। चाहे फाउंडेशन लेवल की मैं बात करूँ, चाहे इंटरमीडिएट की करूँ या फाइनल, हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा स्पेशली कि आपको ध्यान से यहाँ पर मार्क करना है। तो मैं स्पेशली आपको बता दूँ कि फाउंडेशन लेवल वाले को मैं स्पेशली बता देता हूँ, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसीलिए इस एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते, ज़्यादा पढ़ भी लेते फिर भी नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो वो मिस्टेक का आपको ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि पढ़ना ही, आपको ध्यान भी और इसके गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करने होंगे। ये पूरा अगर आप फॉलो करते तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आप यहाँ पर एग्ज़ाम भी ठीक से ICI के रिगार्डिंग अगर आपने एग्ज़ाम भी लिख दिया इसके इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस के, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ तक आप ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ, यही मेरा पर्पज़ था आप लोग को बता देने का एग्ज़ाम होने से पहले। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं और आप सबको अपडेट करता रहूं। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ICI के रिगार्डिंग और चाहे CS का जो इंस्टीट्यूट होता है ICAI उसके रिगार्डिंग, और मैं ICMI के भी रिगार्डिंग लाने वाला हूँ वीडियो इसी चैनल के ऊपर। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पर अब मैं 3-3 इंस्टीट्यूट के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मैं ICI के रिगार्डिंग तो बना ही रहा हूँ, आप सबको अपडेट कर रहा हूँ, मैं आप CMA के बारे में भी बताऊँगा, उसका भी कोर्स के कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, और CS जो होते कंपनी सेक्रेटरी उनके भी रिगार्डिंग बात करने वाला, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको इन सब की नोटिफिकेशन भी दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।